हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज हम नर्सरी आए हुए हैं और नर्सरी से मुझे कुछ प्लांट्स लेने हैं। देखते हैं कौन से प्लांट पसंद आते हैं। वैसे तो सीजनली प्लांट लेने हैं। सीज़न के प्लांट इन दिनों बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और रेट तो सभी का एक ही है, लेकिन यहाँ नर्सरी पर परमानेंट प्लांट भी बहुत खूबसूरती से दिख रहे हैं। और चलिए मैं थोड़ा सा नर्सरी का सैर कराती हूँ और जो भी परमानेंट प्लांट या जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उनके रेट भी बताऊंगी। तो यहाँ पर सभी परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं और पूरा नर्सरी देखेंगे क्या है नर्सरी में। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए परमानेंट प्लांट हैं जो कि हैं क्रोटोन, और क्रोटोन बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। ड्रेसिना है, डेफिनबेकिया है। अगर एक एक प्लांट दिखाऊं तो सभी बहुत ही खूबसूरती से बने हुए हैं, जो कि विंटर की शुरुआत है। और अभी प्लांट जो भी हैं सीज़न के वो अच्छे हैं, साथ ही साथ परमानेंट प्लांट भी काफ़ी खूबसूरती से ब्लूमिंग पे बने हुए हैं, सॉरी ग्रोथ पे बने हुए हैं। तो क्रोटोन की यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी रखी हुई है। चौड़े पत्ते हैं, कटिंगदार पत्ते हैं, पतली पत्तियों वाले हैं, सभी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ पर एक्जोरा है और ये डॉर वैरायटी है, यहाँ पर टॉल वैरायटी है। दोनों ही वैरायटी के एक्जोरा काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और देखने में तो अच्छे हैं ही हैं, साथ ही साथ जो फ्लावरिंग करते हैं तो और भी खूबसूरत दिखते हैं। जिन भाई बहनों ने एक्जोरा नहीं लिया है वो अभी ले सकते हैं। एक्जोरा की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है आने वाले समय में। फ़िलहाल इनकी क्या ग्रोथ होती है वो मैं अपने गार्डन में आप सभी को दिखाती रहती हूँ। तो इसमें कई वैरायटी आती है, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। परमानेंट प्लांट तो काफ़ी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सीज़न के भी प्लांट बहुत ढेर सारे हैं। तो अभी मैं उनको भी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं इस तरफ नर्सरी के घूमती हूँ और देखती हूँ कि कौन से प्लांट लेने लायक हैं। इन दिनों अगर परमानेंट प्लांट लिए जाएं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमानेंट प्लांट इन दिनों अभी अच्छी ग्रोथ पर बने हुए हैं। अगर इन्हें लेना है तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर ये बने हुए हैं। यहाँ पर कुंद हैं और कुंद में इन दिनों बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ भर भर के आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। जिस भी भाई बहन को कुंद लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने अभी कुंद पर जल्दी ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, क्योंकि कुंद में जब फूल आते हैं तो काफ़ी बेशुमार आते हैं और प्लांट आपका काफ़ी खूबसूरत लगता है, साथ ही साथ उसमें भीनी भीनी खुशबू भी होती है। यहाँ पर हाइब्रिड कनेर हैं और कनेर में अभी बड़ आना शुरू हो रही है, फूल इसके खिल रहे हैं। मैंने अपने कनेर को सभी को प्रून कर दिया है और जब उसमें फूल आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप कनेर लाना चाहते हैं तो इन दिनों ला सकते हैं, इनमें कई कलर होते हैं, कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप परमानेंट प्लांट ले सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सीजनल के प्लांट जो इन दिनों आ रहे हैं उन्हें देखते हैं क्या है और कैसे हैं। और आने वाली वीडियो में यानी मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने नर्सरी से क्या लिया है और कितने का लिया है, किस ग्रोथ पे वो चल रहे हैं, ये सब मेरी वीडियो में होगा। चलिए और देखते हैं क्या है नर्सरी में। आगे अगर सीज़न की बात करें तो यहाँ पर सभी सीज़न के प्लांट रखे हुए हैं जो कि ये सदाबहार हैं, इन दिनों इन्हें लगाए जा सकते हैं। ये आपके गार्डन में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें लगाए हुए हैं और हमारे यहाँ ये सालों साल चलते रहते हैं। गार्डन हमारा अस्त व्यस्त हुआ है, इस वजह से थोड़े से डैमेज हो गए हैं प्लांट, नहीं तो मैं अभी तक इन प्लांट्स को अपने गार्डन में रखती और कुछ अभी हैं भी, लेकिन अब मैं फिर से इन्हें अपने गार्डन में रख रही हूं और जो भी कलेक्शन मेरे गार्डन में ख़त्म हो गया है उन कलेक्शन को मैं वापस से अपने यहाँ ला रही हूँ। तो यहाँ पर सदाबहार हैं, ये है कश्मीरी रोज़, यहाँ पर सीज़न के प्लांट हैं पिटूनिया, डेंथस, बर्बीना, मैरीगोल्ड, यहाँ पर सारे मिर्च रखे हुए हैं। तो आप इन दिनों ये सीज़न के प्लांट ले सकते हैं। मैंने कुछ लिए हुए हैं वो मैं घर चल कर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से कौन कौन से प्लांट लिए हुए हैं और कितने में मुझे मिले हुए हैं, वो सब मैं वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये साल्विया है, यहाँ पर पीछे कोलियस रखे हुए हैं, कोलियस के बड़े ही प्यारे प्यारे कलर हैं, पर मैं अभी कोलियस नहीं ले रही हूँ,
क्योंकि कोलियस अभी हमारे पास रखे हुए हैं। यहाँ पर डेंथस है, डॉग फ्लावर है, यहाँ पर मैरीगोल्ड है। गेंदे तो इस समय सीज़न में होते ही होते हैं, अगर आपने मैरीगोल्ड नहीं लगाया तो क्या लगाया। इसलिए से आप मैरीगोल्ड को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत कलर हैं और कुछ फूल खिले हुए हैं, कुछ में फूल नहीं हैं। जो भी चाहिए वो आप इन दिनों नर्सरी से ले सकते हैं। यहाँ पर डहेलिया हैं जिनमें की बडिंग शुरू हो चुकी है। इनमें से मैंने कुछ प्लांट लिए हुए हैं और कुछ अभी मैं लेने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ कैलेंडुला है और कैलेंडुला में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कलर काफ़ी खूबसूरत हैं। मैंने इनके दो कलर लिए हुए हैं और इसमें एक ऑरेंज है, एक येलो है। दोनों ही कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर फिर से विनका है। तो इस तरह से सीज़न के प्लांट यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही अच्छे कलर, बड़े ही बढ़िया दामों में हैं। मैं आज इन्हें लेने वाली हूँ। तो यही सब थी हमारी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।